भैया बोल रहे हैं हिमालयन के लिए 1200 पड़ेगा, वही मंगा लेगा इसे कुछ तो मंगा दो फिर भाई। हाँ भैया अगर ठीक है तो आप। तो भाई हिमालयन बाइक मिल रही है 1200 रेंट पे। यार हिमालय ढूंढने गए थे और मिली हमें स्कूटी। और ये भैया मेरे साथ चलेंगे। अपना नाम बताना भैया। चेतन। चेतन फ्रॉम कर्नाटका, अभी लुधियाना में स्टडी कर रहे हैं। ये भी अभी हम दोनों एक साथ ही निकलेंगे। रूम बहुत अच्छा है, बहुत वर्थ लेने जा रहे थे। अभी हम ये रास्ता याद इस रास्ते से हम जाएंगे नीचे और वहाँ से फिर कोई बाइक देखेंगे रेंट के लिए। अभी हम दुकान से जा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ निकलना है। मन तो जा रहा है कि रोहतांग जाने का, अगर रोहतांग जा पाए तो। नहीं तो भैया बोल रहे हैं हिमालयन के लिए 1200 पड़ेगा, वही मंगा लेगा इसे कुछ तो मंगा दो फिर भाई। हाँ भैया अगर ठीक है तो आप। तो भाई हिमालयन बाइक मिल रही है 1200 रेंट पे, बाकी देखते हैं। हम यहाँ कहाँ रहे हैं, मतलब वाटरफॉल यहाँ पे बता रहे थे आप। जाना वाटरफॉल जा रहे हैं हम। देखते हैं अगर रोहतांगा बन गया तो। यहाँ पे कोई है प्यारे लाल जी, कहते हैं कि वो बना देते हैं, कोई जुगाड़ लगा देते हैं, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो वाटरफॉल तो जा ही रहे हैं। यार हिमालय ढूंढने गए थे और मिली हमें स्कूटी। चलो अभी स्कूटी से काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज अभी वीकेंड है ना, इसलिए कोई भी बाइक अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। हम पहुंच चुके हैं सजला वाटरफॉल। अभी ये अराउंड 300-400 मीटर ऊपर है, अभी हम नीचे हैं। तो अभी ऊपर का जाके व्यू दिखाऊंगा आपको। फोन की बैटरी बिल्कुल लो, पता नहीं दिखा पाऊंगा कि नहीं। ये हम जंगल से होते हुए वाटरफॉल जाते हुए मैं और चेतन भाई। चेतन भाई कैसा लग रहा है? अभी तक तो ठीक है, आगे पता नहीं भाई। सीधी चढ़ाई है ऊपर को, बढ़िया। यहाँ का एटमॉस्फेयर वाह बहुत ही अच्छा है। हमारी ना चढ़ाई सफल होगी। ये देखो भाई क्या सही नजारा है। गाइस देखो वाटरफॉल का रास्ता, चेतन भाई जाते हुए। यार इट्स ऑसम यार। भाई लाइफ में एक बार जरूर आना चाहिए यहाँ पे, जो भी मनाली आता है यहाँ पे जरूर आओ। यार माल रोड तो हर कोई घूमता है, घूमने वाली चीज यहाँ पे है। माल रोड क्या है यार, कुछ नहीं है माल रोड। इतना भीड़ है ना, मतलब बहुत भीड़ है। हाँ तो
ऐसी चीज़ें होती है घूमने वाली। अगर आप घर से निकले भी हो, एडवेंचर करना भी है, हिल्स देखनी भी है, और ऐसी जगह पे नहीं है तो क्या फ़ायदा है यार, सीरियसली। वो फाइनली यार गाइस पहुंच गए हम, हमें वाटरफॉल दिख गया। कम से कम 30 मिनट चढ़ाई करने के बाद वाटरफॉल दिखा है। वाह यार यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। छोटे छोटे मैगी पॉइंट्स बना रखे हैं यहाँ पे। ये देखो वाटरफॉल का पानी है, और इसकी स्पीड देखो, सीरियसली। भाई मैं तो अभी पानी में बैठने वाला हूँ कुछ टाइम के लिए, और यार पानी बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ का। वाओ ये देखो, थोड़ा सा स्लिपरी है यहाँ पे। गाइस प्लीज बच्चों को साथ मत लेके आना, थोड़ा सा ये डेंजरस है, और जिनको एडवेंचर पसंद है वो ज़रूर आओ यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है। ये देखो छोटा सा मैगी पॉइंट है, यहाँ पे शॉप लगी हुई है छोटी सी। फाइनली गाइस वाटरफॉल के दर्शन हो गए। अभी हम मैं नीचे जाने वाला हूँ। फाइनली आई रीच्ड, वाओ मैन गाइस, पानी बहुत ठंडा है, इतना है कि पैर ना जमने लग गए हैं। गाइस अभी हम वाटरफॉल से निकले हैं, अभी हम एक और यहाँ पे वाटरफॉल है वहाँ पे भी जाने वाले हैं, तो बताता हूँ वो कहाँ पे है। वो हमें अराउंड 4 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, चढ़ाई करनी पड़ेगी पहाड़ी पे, फिर जाके वो वाटरफॉल आएगा। कोई बात नहीं, स्ट्रेट यून आपको दिखाते हैं वो भी वाटरफॉल। यहाँ पे हिमाचली शादी हो रही है, यहाँ पे हमने हमारी हिमालयन स्कूटी लगाई थी, क्योंकि बाइक तो मिली नहीं हिमालयन, तो हमने हिमालयन स्कूटी ले ली। फिर चले तो ये रही हमारी हिमालयन स्कूटी। तो अभी हम निकल रहे हैं हिडिंबा मंदिर की तरफ। हिडिंबा मंदिर से होके हम जाएंगे मनु टेंपल, और उसके बाद सीधा जाएंगे अपने हॉस्टल।
बिकॉज़ यार आज के लिए बहुत हो गया, थक भी बहुत गए हैं क्योंकि बहुत ऊपर था यार, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करनी पड़ी, फिर जाके ये आया था अपने वाटरफॉल। क्या हो गया, हमारी हिमालयन स्टार्ट बड़ी मुश्किल से हुई है। चलो गाइस मिलता हूँ फिर आपको हिडिंबा मंदिर। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है तो बस हम निकल रहे हैं मालोड़ के लिए। यार मेरे ना हल्की सी चोट लगी पैर पे, हम वाटरफॉल में गए थे वहाँ पे ना हल्का सा पैर स्लिप हो गया था, तब तो नहीं पता चला लेकिन अब बहुत पेन हो रही है, बट मैंने मूवमा वल गई है, देखो सुबह तक ठीक हो जाएगा। तो अभी मालोड़ जा रहे हैं, मालोड़ जाके वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं आपको। चलिए मिलते हैं मालोड़ में। क्राउड देखो, कोरोना का नामो निशान नहीं है यहाँ पे, कोरोना खुद ही डर के भागता है। गाइस अभी हम आ चुके हैं मेरे हॉस्टल में, तो अभी कल जाना है रोहतांग, तो देखते हैं कल फिर कैसे निकलते हैं, या तो कैब करेंगे या फिर बाय बस जाएंगे, जैसे भी होगा आपको मैं बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड, मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिए मैं रोहतांग जा रहा हूँ।